हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डोलची किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंग की दाल की कचौड़ी और आलू चटनी के, जो इसके संग खाने में अच्छे लगते हैं। सबसे पहले हमने मूंग की दाल को रात में भिगो दिया था, और उस अगर आपके पास हरी वाली दाल है तो आप उसके भी छिक्के अलग करके उसे भी पीस सकते हो। हमने इसमें डाला है साबुत धनिया, सौंफ, साबुत काली मिर्च, अदरक और हरी मिर्च, और थोड़ा सा जीरा और नमक। इन सबको इसमें थोड़ी सी दाल आप ऊपर से डाल दीजिएगा, जिससे पिसने में अच्छी लगेगी, और थोड़ी सी हींग भी डाल दीजिएगा। ये देखिए हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसको किसी भी चीज़ में आप इसको भून लीजिएगा थोड़ा सा तेल डाल के। ये देखिए हमने भून लिया है, और हमने आटे में थोड़ा सा तेल डालकर और नमक मिलाकर उसको मल लिया था, जैसे आप पूड़ी का आटा मलते हो। हम इसमें छोटी छोटी सी लोई बनाएंगे, फिर जो हमने अपनी दाल तैयार करी थी उसको भरेंगे उस लोई के अंदर। ये बनाने में बहुत ही आसान है, और आपकी एक एक कचौड़ी फूलेगी और खाने में भी बहुत ही अच्छी लगेगी। आप उड़द की दाल तो लोगों को पसंद नहीं आती है क्योंकि बादी करती है, लेकिन मूंग की दाल की कचौड़ी खाने में टेस्टी और अच्छी लगती है। अब हम तैयार करते हैं अपने आलू। हमने इसमें दो आलू लिए हैं और उसको छील के मैश कर लिया है। अब देखिए इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, नमक और थोड़ा सा जीरा भुना हुआ, हींग, और इसमें डालेंगे लाल मिर्च और गरम मसाला, हरी चटनी, मीठी चटनी, और इसमें थोड़ा सा जाएगा दही। इन सबको अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद में आप इसमें थोड़ा सा काला नमक भी डाल सकते हो। ये देखिए हमारा चटनी वाले आलू तैयार हैं। इसे कचौड़ी के संग आप खा के देखिएगा, बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।